Okay, good morning students. Class 4, you can see here, subject is EVS and the chapter is chapter 3, you can see here. The name of the chapter is Playtime is Fun Time, but we already uploaded one video of this chapter because the chapter is lengthy, so this is part 2, video 2 hai, part 2 hai, theek hai? एक वीडियो पार्ट वन के नाम से हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. सो इसमें वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर फ्लाइंग अ काइट, बिकॉज लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था विजिट टू अ सर्कस, यहाँ तक कवर किया था. सो फ्रॉम इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर फ्लाइंग अ काइट. काइट मीन्स पतंग होता है. इन इंडिया kites are flown on festivals like Makar Sankranti, Raksha Bandhan, Independence Day. Flown beta ye past form hai fly ka, ki India mein jo patang fly karaya jata hai, udaya jata hai, festivals pe karaya generally log karte hain. Jaise Makar Sankranti ek festival hai jo January mein aata hai. रक्षाबंधन भी एक फेस्टिवल है, आप जानते हैं, भाई बहन का त्यौहार जिसको कहते हैं. इंडिपेंडेंस डे जो अपना नेशनल फेस्टिवल है, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है. और काइट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स साइजेस एंड कलर्स कैन बी सीन इन द स्काई. भाई जो पतंगें होती हैं वो अलग अलग शेप्स की होती है, अलग अलग साइज की होती है, अलग अलग कलर की होती है. कैन बी सीन इन द स्काई, हमें ऊपर दिख सकती हैं जब वो उड़ती हैं. तो काइट फ्लायर्स, काइट फ्लायर्स का मतलब होता है जो लोग काइट को फ्लाई करा रहे हैं, काइट उड़ा रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, काइट फ्लायर्स, मतलब पतंग उड़ाने वाले. फ्लायर्स प्लूरल है, पतंग उड़ाने वाले. काइट फ्लायर्स ट्राई टू कट ईच अदर्स काइट बाई कटिंग द मांजा ऑफ द अदर काइट. भाई काइट फ्लायर्स क्या करते हैं, एक दूसरे की पतंग को काटने की कोशिश करते हैं बाई कटिंग द मांजा, मांजा को काटते हैं ऑफ द अदर काइट, ठीक है. काइट मस्ट बी फ्लोन अंडर एन एडल्ट सुपरविजन. आपको सलाह दी गई है, आपको गाइड किया गया है कि जो पतंग उड़ाते समय आप किसी एडल्ट्स के सुपरविजन में उड़ाएं. इसका मतलब यह है कि आपके जो घर के बड़े लोग हैं, जो जिनकी एज 18 ईयर से ज़्यादा है, उनको हम कहते हैं एडल्ट. जिनकी उम्र 18 या 18 साल से ज़्यादा है उसको एडल्ट की कैटेगरी में आते हैं, मतलब वो बड़े लोग हुए, वो मैच्योर्ड हो गए, वो जानते हैं. सो उनके सुपरविजन में आपको काइट फ्लाई करनी चाहिए, है ना. ऐसा इसलिए कहा गया है कि नॉर्मली जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने छत के टॉप से काइट फ्लाई करते हैं, कई बार वो इंजर्ड हो जाते हैं, गिर जाते हैं छतों पे, छतों से, बिकॉज उनका ध्यान काइट की तरफ रहता है. सो कई बार इंजरीज हो जाती हैं. सो इन सब रीजनों को देखते हुए कहा गया है कि भाई आप जब भी काइट फ्लाई करें किसी एडल्ट के सुपरविजन में करें. इट इज़ बेटर टू फ्लाई काइट इन फील्ड्स पार्क्स एक्सेट्रा देन ऑन द टेरेस. देखो यहाँ पे आपको फिर से कहा गया है, सलाह दी गई है. टेरेस का मतलब होता है छत, जो हमारे घरों की छतें होती हैं उनको हम बोलते हैं टेरेस. सो आपको सलाह दी गई कि इट इज़ बेटर टू फ्लाई काइट इन फील्ड, फील्ड्स होते हैं खेत, पार्क्स, कि भाई आप काइट को फील्ड में जाके फ्लाई कराएं या पार्क से फ्लाई करें, देन ऑन द टेरेस. टेरेस पे, टेरेस से आपको बिल्कुल सलाह नहीं है, टेरेस से आपको काइट को फ्लाई नहीं कराना है, क्योंकि कई बार बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं जहाँ पे स्पेशली चिल्ड्रंस वो छतों से गिर गए, वो इंजर्ड हो गए, इवन डेथ भी हो गई है. सो इसलिए आपको टेरेस से फ्लाई नहीं कराना है काइट को. आगे स्पिनिंग अ टॉप, स्पिनिंग अ टॉप, स्पिनिंग का बेटा मतलब होता है चक्कर लगाना. स्पिनिंग टॉप आपने देखा होगा कि लट्टू जैसा होता है छोटा सा, आप देखे हैं आप पिक्चर में, एक टॉप है, इसको ये जो बच्चा स्पिन करा रहा है. सो एक टॉप को घुमाना, टॉप को चक्कर लगाना, स्पिनिंग करना. लट्टू, इसको लट्टू भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में. लट्टू और अ टॉप
इज अपीयर शेप्ड टॉय। बेटा इसकी शेप कैसी होती है, पियर, पियर होता ना, पियर एक फ्रूट का नाम है जिसको हिंदी में कहते हैं नारंगी, नाशपाती बोलते हैं। सो जो लट्टू होता है आप देखिए इसकी शेप कैसी होती है, पियर शेप, जैसे पियर होता है ना नाशपाती होता है, ठीक उसी तरह लट्टू की शेप होती है, टॉप की शेप होती है। शेप टॉय दैट इज स्पन बाय पुलिंग द स्ट्रिंग वाउंड अराउंड इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। देखिए स्पन होता है बेटा, दैट इज स्पन बाय पुलिंग द स्ट्रिंग। देखिए स्ट्रिंग होता है धागा, को उसको कैसे घुमाया जाता है, कैसे स्पन किया जाता है, बाय पुलिंग द स्ट्रिंग, धागे को खींच के, स्ट्रिंग जो उसमें धागा होगा उसको पुल करके, पुलिंग करके अराउंड इट ऑन ए फ्लैट सरफेस। लेकिन जहाँ पे ऐसा उसको घुमाना है वो सरफेस फ्लैट होना चाहिए, रफ नहीं होना चाहिए, खुरदरा नहीं होना चाहिए। भाई खुरदरा होगा तो ठीक से रोटेट नहीं करेगा, स्पिन नहीं करेगा, ठीक है, ओके। इट स्पिन्स ऑन द नेल एट इट्स बेस एंड स्टेज इरेक्ट फॉर सम टाइम। इट स्पिन्स, स्पिन्स होता है घूमना, ऑन द नेल, नेल मीन्स हम सब जानते हैं कील होती है, कील होती है ना, देखिए यहाँ पे इस लट्टू के नीचे कील है, नेल है, तो लट्टू ऊपर रह जाता है, लेकिन वो कहाँ पे स्पिन कहाँ पे करता है बेटा, नेल पे, नेल पे घूमता है। एट इट बेस, ये नेल इसके बेस में होती है यहाँ पे। एंड स्टेज इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है खड़ा रहना, फॉर सम टाइम, और कुछ देर के लिए वो लट्टू या टॉप ऐसे खड़ा रहता है जब तक कि वो घूमता है। जैसे ही उसका ये घूमने बंद हो जाएगा वो फॉल हो जाएगा, ग्राउंड पे गिर जाएगा। सो बताया कि स्पिनिंग और टॉप को कैसे घुमाते हैं, तो बेसिकली टॉप में पहले एक स्ट्रिंग को पुल किया जाता है, खींचा जाता है, तो टॉप घूमने लगता है, तो कुछ देर तक घूमता है, तब तक वो टॉप इरेक्ट रहता है, खड़ा रहता है, ये नेल पे घूमता है, उसके बाद में स्टॉप हो जाता है, फॉल हो जाता है, गिर जाता है। चलो अब बात करते हैं फेयर्स। फेयर होता है मेला, FAIR, और यहाँ पे फेयर्स मीन्स मेले, प्लूरल है फेयर का, मेले। द फेयर्स मेलाज, जिसको देखा ब्रैकेट में भी लिखा है मेलाज, आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, क्रिसमस एंड न्यू ईयर। जो बेटा मेला होते हैं, जो फेयर होते हैं, वो कब ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जनरली त्यौहार पे, जैसे दिवाली पे, कोई दिवाली फेयर आपने सुना होगा, आपके टाउन में भी कई बार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, या क्रिसमस पे भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, न्यू ईयर होता है उसे भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। देखा होगा आजकल टाउन में ऐसा होता है कि भाई दिवाली मेला या क्रिसमस मेला, ये सब सुना होगा। कुंभ मेला हेल्ड एवरी 12 ईयर्स हैज सच ए लार्ज गैदरिंग दैट इट इज विजिबल फ्रॉम द स्पेस ऑल्सो। देखिए हमारे कंट्री में एक कुंभ मेला होता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है कुंभ, जिसका नाम है कुंभ मेला, हेल्ड एवरी 12 ईयर्स 12 साल के बाद एक बार इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, 12 ईयर्स के बाद, एवरी ईयर नहीं होता है। और हैज सच ए लार्ज गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब होता है भीड़, भीड़ जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं उसको बोलते हैं गैदरिंग, और लार्ज गैदरिंग मतलब बहुत बड़ी ह्यूज भीड़ होती है, बहुत बड़ी भीड़ होती है इस मेले में, इतनी भीड़ होती है दैट इट इज़ विजिबल फ्रॉम द स्पेस, अगर इसको स्पेस से देखा जाए तो भी भीड़ नज़र आती है, कि मतलब स्पेस से भी इसको देखा जा सकता है, दैट मीन्स हम इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें कितने लोग जाते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा इवेंट है क्योंकि ये 12 साल के बाद आता है। देर आर सेवरल फन एक्टिविटीज एट द फेयर्स लाइक स्लाइड्स, गेम्स, पपेट शोज, फूड स्टॉल्स एक्सेट्रा। भाई देखा गया है कि देर आर सेवरल, सेवरल मतलब मीन्स अनेकों, अनेकों फन एक्टिविटीज होती हैं इन मेलों में, है ना, कौन कौन सी स्लाइड्स, जैसे फिसलना, स्लाइड्स की पट्टी जैसे ही कुछ देखा होगा आपने, जिसपे बच्चे फिसलते हैं और उनको इन्जॉय होता है, स्लाइड गेम्स हैं। पपेट शोज होते हैं, भाई पपेट का मतलब होता है पता, कठपुतली शोज होते हैं पपेट, तो देखा होगा आपने कुछ लोग कठपुतली शोज करते हैं फेयर्स में, मेलों में, पपेट।
फूड स्टॉल भी देखे होंगे जहाँ पे लोग खाना खाते हैं उनको फूड स्टॉल कहते हैं। ये कुछ चीज़ें बताई, और भी बहुत कुछ होता है, कुछ अलग तरह के गेम्स होते हैं, कुछ चीज़ें हम बाई भी कर सकते हैं, तो एक्सेट्रा यहाँ पे लिखा है। दीज फेयर्स लास्ट फॉर ए फ्यू डेज, और ये मेले भाई कई दिन तक चलते हैं। एंड पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स इंजॉय हेयर, और भाई सभी तरह के लोग, मतलब हर उम्र के लोग वहाँ पे आनंद लेते हैं। ऑल एज ग्रुप्स, पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स का मतलब है सभी एज वाले की, भाई 40 साल का, 50, 60, जो भी जिसकी जो भी एज है, सब एज वाले लोग वहाँ पे आनंद उठाते हैं। कहाँ पे? फेयर में, ठीक है, मेलों में। आगे बात करते हैं। हैव यू एवर विजिटेड अ फेयर, आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, आप कभी किसी फेयर में गए हैं, विजिट किया है? ऑफ कोर्स आप गए होंगे। व्हाट वर द थ्री थिंग्स दैट यू एंजॉयड द मोस्ट, अगर आप गए हैं तो आपने कौन सी, आपको तीन चीज़ों के बारे में बताना है जो आपको सबसे अच्छी लगी, या उन तीन चीज़ों ने आपको इंजॉय किया, है ना। जैसे किसी को झूला हो गया, किसी को फूड अच्छा लगा होगा, किसी को पपेट शो अच्छा लगा होगा, तो आपको कौन सी तीन चीज़ें हैं जो अच्छी लगी उनके बारे में बताना है। चलो, इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रिएशन, भाई जो रिक्रिएशन होता है, रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है? मनोरंजन, है ना। तो मनोरंजन के बहुत सारे फायदे हैं, इम्पोर्टेंस हैं, उनको हम जानेंगे कौन कौन से हैं। पहला, प्लेइंग गेम्स कीप्स अस फिट एंड हेल्थी, अगर हम गेम खेलते हैं तो हम फिट रहेंगे और हेल्थी रहेंगे, बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे या गेम खेलेंगे तो हम फिट रहेंगे और हेल्थी रहेंगे, तो ये तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस हो गया हमारे लिए। नेक्स्ट, इट कीप्स अस हैप्पी एंड रिलैक्स आवर बॉडी एंड माइंड, जब हम गेम खेलते हैं या हम रिक्रिएशन करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम एक हैप्पीनेस मिलती है, मतलब हमें खुशी मिलती है, एंड रिलैक्स आवर बॉडी एंड माइंड, और हमारा बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्स मिलता है। रिलैक्स का मतलब आराम मिलता है। देखिए, हम अगर पूरे दिन काम करते हैं तो हमारी बॉडी टायरिंग हो जाती है, टायर्ड हो जाती है, थक जाती है, तो बॉडी को रिलैक्स चाहिए तो वो भी मिल गया, और माइंड भी हमारा थक जाता है तो माइंड को भी रिलैक्स देना ज़रूरी है। तो हमें रिक्रिएशन से हैप्पीनेस आ गया, बॉडी रिलैक्स हो गया और माइंड रिलैक्स हो गया। आगे, इट हेल्प्स अस टू मेक फ्रेंड्स, डेवलप टीम स्पिरिट एंड लीडरशिप क्वालिटीज़। देखिए, जब हम रिक्रिएशन हमें मिलता है या हम गेम्स खेलते हैं तो क्या होता है कि मेक्स फ्रेंड्स, हमारे कई सारे दोस्त बनते हैं। डेवलप टीम स्पिरिट, एक होती है बेटा टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट का मतलब ये होता है कि हम कई सारे लोग, कई सारे बच्चे आप एक साथ खेलते हो, जैसे 5, 7, 10, 15, सो आप सब मिल के कोई काम करते हो, एक दूसरे को पासस देते हो, है ना, एक दूसरे से के साथ मिलकर स्ट्रेटजीज बनाते हो, प्लान्स बनाते हो जीतने का, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हो, आपके जो टीम कैप्टन है उसको आप ओबे करते हो, सो इन सब क्वालिटीज़ को बोलते हैं टीम स्पिरिट, मतलब एक टीम भावना में काम करते हो उसको बोलते हैं टीम स्पिरिट। एंड लीडरशिप क्वालिटीज़, साथ ही साथ आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ भी डेवलप होती हैं। अब लीडरशिप क्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं भाई, आप कभी टीम कैप्टन बनते हो तो आप लीड करते हो, मतलब कई सारे जो बाकी प्लेयर्स हैं आपके नीचे हैं, आपके ऑर्डर को फॉलो करेंगे, आप उनको गाइड करेंगे, सो वहाँ पे आप में लीडरशिप क्वालिटीज आ रही है ना। और भी कई सारी हैं लीडरशिप क्वालिटीज, आप में कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा आप में, ठीक है, सो ये सब क्वालिटीज आज आप में पनपती हैं। आगे, वी लर्न टू ट्रीट एवरीबडी एज इक्वल, एक और चीज़ सीखते हैं हम कि भाई सब लोग, एवरीबडी मीन्स सब, इक्वल मीन्स बराबर हैं। सो हमें ये मालूम चला, ये सीखा, लर्न, हमने क्या लर्न किया, टू ट्रीट एवरीबडी एज इक्वल। ट्रीट मीन्स, ट्रीट मीन्स हम कहेंगे कि सबको किस तरह से हम ट्रीट करें, बिहेव करें, बर्ताव, ट्रीट मीन्स बर्ताव, कि हमारा जो बर्ताव है सबके साथ इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि कास्ट, रिलीजन, कलर या और कोई आधार को मान के हमें अपना ट्रीट, हमें उनको
अनइक्वल ट्रीट नहीं करना है, इक्वली बराबर ट्रीट करना है, ठीक है। सो ये भी हम लर्न करते हैं गेम से। और क्या, इट इंक्रीजेस बॉन्डिंग बिटवीन फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स। एक वर्ड है बता बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का मतलब होता है जुड़ना, इंक्रीजेस का मतलब होता है बढ़ना, बाकी तो इसमें सब इजी वर्ड है। सो इससे एक बॉन्ड बढ़ता है, इंक्रीजेस बॉन्डिंग बिटवीन फैमिली, है ना, तो उससे हमारा फैमिली के बीच में एक बॉन्ड बढ़ता है, हमें एक दूसरे को लगाव बढ़ता है, हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। एंड फ्रेंड्स, तो फैमिली मेंबर्स के साथ भी जुड़ते हैं, बॉन्ड बढ़ता है, साथ ही साथ फ्रेंड्स के साथ भी हमारा बॉन्ड बढ़ता है। अब एक क्विक रिकैप है, है ना, बताया था मैंने रिकैप क्या होता है कि पूरा जो समरी है पाठ का उसको थोड़ा सा रिकैप किया गया है, तो मैं इसको क्विकली रिपीट कर रहा हूँ। प्लेइंग टीचर्स अस हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड फेस द वर्ल्ड। भाई जब हम खेलते हैं तो उनसे हमें हम अपने गेम से ये सीखते हैं कि हम इस वर्ल्ड को कैसे फेस करें और अपनी दिक्कतों को कैसे सॉल्व करें, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड फेस द वर्ल्ड। आगे है, रिक्रिएशन इज डूइंग समथिंग टू रिलैक्स एंड हैव फन। रिक्रिएशन इसलिए किया जाता है कि ताकि हम रिलैक्स हों, हमारी बॉडी और हमारा माइंड रिलैक्स हो और हमें फन फील हो। आगे, वी प्ले इंडोर गेम्स एट होम एंड आउटडोर गेम्स आउटसाइड दी होम। ये भी हमने पढ़ा है कि जितने भी इंडोर गेम्स हैं हमें घर के अंदर खेलने हैं, और आउटडोर गेम्स हैं हम घर के बाहर खेलते हैं, जिसके लिए हमें ग्राउंड्स की ज़रूरत होती है, ओपन एरिया की ज़रूरत होती है। गेम्स आर प्लेड इन द क्लासरूम एंड इन द प्ले ग्राउंड इन द स्कूल। स्कूल में भी कुछ गेम्स हैं जो क्लासरूम में खेले जाते हैं, जैसे जो भी माइंड गेम है, बट बहुत कम। जनरली स्कूल्स में जितने गेम खेले जाते हैं वो स्कूल्स में के प्ले ग्राउंड में खेले जाते हैं। किसकी सुपरविजन में खेले जाते हैं, किसी टीचर या कोई पीटीआई जो भी हैं या कोई कोच, उनके सुपरविजन में आपको खेला जाना है। वी मस्ट प्ले अ गेम फेयरली। फेयरली का मतलब होता है कि बिना किसी पक्षपातपूर्ण, मतलब फेयर तरीके से, साफ सुथरे तरीके से हमें गेम खेलना है। वी मस्ट प्ले अ गेम फेयरली, मतलब जो भी डिसीजन हो फेयर हो, ठीक है, हमें एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, जो चीज़ सही है उसको सही मानना है। आगे, सम अदर वेज ऑफ रिक्रिएशन आर विजिट टू अ सर्कस और फेयर, फ्लाइंग काइट्स और स्पेंडिंग अ चॉक। देखिए कुछ और भी तरीके हैं रिक्रिएशन करने के, जैसे इसमें से कुछ बताएं कि भाई या तो किसी सर्कस पे आप विजिट करें या किसी मेले में जाएं। काइट, पतंग उड़ाना भी एक रिक्रिएशन है, और एक टॉप को घुमाना भी एक रिक्रिएशन है। तो ये सब रिक्रिएशन के तरीके हैं, हम कोई भी अपना तरीका अपना सकते हैं। प्लेइंग गेम्स कीप्स अस फिट एंड हेल्थी। बहुत बड़ी बात है कि जब हम गेम खेलते हैं तो हमें फिट रखते हैं और हेल्थी रखते हैं। सो ये हमारे लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये आपका आ गया असेसमेंट टाइम। इसकी जो सीट है, सॉल्यूशन सीट, ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर कर दी है, और मंडे को ये सीट आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दी जाएगी, आपके ग्रुप में डाल दी जाएगी पीडीएफ में। आपको अपनी नोटबुक में बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में करना है, और साथ ही साथ आपको कंसंट्रेट भी करना है। कुछ बच्चे जब ये करके लेके आ रहे हैं हमारे पास तो बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं है, कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है, साथ ही साथ हैंडराइटिंग पे आपको ध्यान देना है। हैंडराइटिंग आपकी पहले से बेटर होनी चाहिए, ना कि पहले से ख़राब, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम पूरे क्वेश्चंस हमने नहीं किए हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने छोड़ दिए हैं, जो भी आप अपनी नोटबुक में आप अपने से कर सकते हैं, बट एटलीस्ट जो हम सॉल्यूशन सीट में दे रहे हैं वो तो आपको करने ही करने हैं। मैं क्विकली इन क्वेश्चंस को, कुछ एक को आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूँ, नॉट ऑल, बिकॉज बाकी आपके लिए हैं। सो लेट अस सी, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को हम। ये देखिए, इट इज़ एन इंडोर गेम। इंडोर गेम के बारे में बताना था। देखिए आपके है सॉल्यूशन सीट, यू कैन सी है, आपकी क्लास फोर्थ है, सब्जेक्ट EVS है, और पहला क्वेश्चन है इट इज़ एन इंडोर गेम। इंडोर गेम को के ऊपर आपको टिक करना है। तो देखिए इंडोर गेम, इसमें चेस है, क्रिकेट भी नहीं है, हॉकी भी नहीं है। इट इज़ एन ब्रेनी गेम। ब्रेनी का मतलब होता है दिमाग लगाना पड़ता है ज़्यादा, तो हाइड एंड सीक तो है नहीं। जिगजा पजल है क्या, जिगजा पजल। स्नैक्स एंड लैडर भी नहीं है, स्नेक एंड लैडर, सॉरी, एंड ये तो पजल जो है ये है। क्रिकेट मस्ट बी प्लेड इन, कहाँ पे खेलना चाहिए, वरंडा, रूम या प्लेग्राउंड। बिल्कुल रूम में नहीं भी नहीं खेलना चाहिए, ना वरंडा में खेलना चाहिए, या आपको प्लेग्राउंड में खेलना है तो ये ठीक हो गया। वी फाइंड क्लॉन्स इन, क्लॉन्स हमें जो जोकर होते हैं कहाँ देखने को मिलते हैं, सर्कस में, क्लास में, हाउस में।
भाई क्लास में तो ऑफ कोर्स नहीं, या हो सकता आप में से कुछ बिल्कुल नहीं, क्लॉन्स क्लास में नहीं होते हैं, हाउस में भी नहीं होते हैं, सर्कस में हमें देखने को मिलते हैं क्लॉन्स। आगे क्वेश्चन है कि कुंभ मेला इज हेल्ड एवरी कितने सालों के बाद होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 12 ईयर्स के बाद होता है, बुक में लिखा, अभी आपने हमको पढ़ाया हमने आपको। कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स हैं जो आपको करने हैं बेटा, जैसे पहला है फिलिंदा ब्लैंक्स इज डूइंग समथिंग टू रिलैक्स, इसमें रिक्रिएशन आएगा। बताया गया कैरम इज एन इंडोर गेम या आउटडोर, आपको इंडोर गेम लिखना है, ठीक है। ऐसे और भी हैं, सारे को रिपीट करना वीडियो लेंथी हो जाएगा, जैसे मैं एक और देख लेता हूँ। वी मस्ट हैव ए फिलिंदा ब्लैंक्स स्प्रिट, तो इसमें टीम आएगा कि हमें टीम स्प्रिट होनी चाहिए। अब कुछ ट्रू और फॉल्स हैं, जो फॉल्स हैं आपको एफ लिखना है, जो ट्रू है उसके लिए टी लिखना है। लूडो इज एन आउटडोर गेम, ये तो फॉल्स है भाई, लूडो इंडोर गेम है ना, लूडो घर के अंदर खेला जाता है। वी प्ले फॉर फन एंड रिलैक्सेशन, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। ऐसे बहुत और भी हैं, ये आपको खुद करने हैं, मैंने सोलोथन सीट में काफ़ी सारे कर दिए हैं जिसको आप नोट करना है। वी मस्ट फॉलो रूल्स ऑफ द गेम्स, ये बिल्कुल ठीक है, ट्रू है कि भाई जो भी गेम्स में रूल्स हैं वो हमें फॉलो करने हैं, उनको मानना है। ये यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, ये कॉलम ए को आपको कॉलम ए बी से मैच करना है। जैसे मैं कोई भी एक लेता हूँ, काइट यहाँ पे लिखा है, तो काइट यहाँ किससे रिलेटेड है, सर्कस से रिलेटेड है, इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड है, इंडोर गेम से, या सीन फ्रॉम स्पेस आउटडोर गेम, सो किससे रिलेटेड है। तो देखिए काइट इंडिपेंडेंस डे पे फ्लाई कराया जाता है, सो इसलिए यहाँ पे बी आएगा, इससे आप ऐसी लाइन बना देंगे। कुंभ मेला है, कुंभ मेला अगर आपने ध्यान दिया हो तो सीन फ्रॉम स्पेस, स्पेस से भी देखा जा सकता है, तो ये इससे रिलेट हो गया। अब आपके हैं कुछ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं, मैक्सिमम मैंने इसमें सॉल्यूशन शीट में कर दिए हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, मैं एक लेता हूँ, व्हाट इज मीन्ड बाय रिक्रिएशन, ठीक है, सो रिक्रिएशन क्या है, रिक्रिएशन का क्या मतलब होता है, सो क्या आएगा, रिक्रिएशन इज डूइंग समथिंग टू रिलैक्स एंड हैव फन, भाई रिक्रिएशन इज डूइंग समथिंग टू रिलैक्स एंड हैव फन, ये पहले बच्चे ने ऑलरेडी आंसर किया हुआ है। नेम सम गेम्स प्लेड एट होम इन द स्कूल, कुछ गेम्स के नाम बताने हैं एट होम, जो आप घर पे खेलते हैं उनको यहाँ पे लिख सकते हो पहली लाइन में, इन द स्कूल जो स्कूल में गेम्स खेलते हैं उनको दूसरी लाइन में लिख सकते हो। तो घर पे खेलने वाले गेम्स हैं, कैरम हो गया आपका, ये हो गया चेस हो गया, ठीक है, ये सब हम घर पे खेलते हैं। स्कूल में खेलने वाले गेम खो खो हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेइंग टुगेदर, एक साथ अगर हम खेलते हैं तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस है, ठीक है। जैसे इसने लिखा हुआ है कि भाई प्लेइंग टुगेदर इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस हारमनी एंड रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, अगर हम एक साथ खेलते हैं तो हमें विश्वास पैदा होता है, हारमनी हमारी बढ़ती है, एंड रेस्पेक्ट एक दूसरे का हम रेस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस हो गया इसका। और भी सारे क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स या कोई आपकी क्वारीज हैं तो आप अपने ग्रुप में या जो भी आपको नंबर दिया गया है उस पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। लेकिन एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप अपना होमवर्क नीट एंड क्लीन करें, साफ सुथरा करें, और होमवर्क करते समय फोकस्ड रहें, इसका मतलब ये कि ध्यान दें, आपका इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव ए ग्रेट डे डियर स्टूडेंट्स।